विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़सर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। गत दिवस ही कांग्रेस सचिव के पद से सीताराम भारद्वाज को हटाए जाने पर राजनीति गर्मा गई है। वहीं सीताराम भारद्वाज ने भी अपने निष्कासन के लिए वर्तमान में बड़सर विधायक व CPS इंद्रदत्त लखनपाल पर आरोप लगाकर जिम्मेदार ठहराया है। मेहरे में पत्रकार वार्ता में सीताराम भारद्वाज ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में निष्काम भाव से लोगों की सेवा की है, लेकिन इंद्रदत्त लखनपाल ने लोकप्रियता से बौखला कर मेरा निष्कासन करवाया है। उन्होंने कहा कि 2012 में भी कांग्रेस की सेवा की है और आज भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करना और लोगों की समस्याओं को दूर करना कहां तक गलत है, लेकिन CPS लखनपाल ने सोची समझी चाल करके मेरा निष्कासन करवाया है। आप सभी को पता चल गया है कि मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे निष्कासन किया है, निलंबित कर दिया है, जिसके लिए मैं, क्योंकि आए दिन एक जो यहाँ का प्रतिनिधि है वो ये कल भी उनके बयान आए कि ये जो सीताराम भारद्वाज को पार्टी से निकाला है ये उन पर वालों का काम है। मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि 110% ये विधायक बरसड़ का जो है इसने 6 महीने से ये मेरे पीछे पड़ा हुआ, पर हम जो है अपने काम में लगे हुए थे और अभी भी हम अपने काम में लगे हुए हैं और हम इस काम में लगे रहेंगे। मेरे पर चार्ज लगाया गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों से इसको निकाला गया है। मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? यही काम मैं 2012 में, 2011 में जब चुनाव हुए तब भी मैं यही काम करता था, गरीबों की सेवा करता था, असहाय लोगों की मदद करता था। जब इंद्रदत्त लखनपाल जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार बने तो यही सेवक के घर वो दरकोटी पहुंचे और उन्होंने आकर के जमीन पे डेरा जमाया और इसी समाज सेवी से मदद मांगी। तब मैं कांग्रेस के लिए कोई विरोधी गतिविधियां नहीं करता था और आज मैं यही सेवाएं जो लगातार कर रहा हूं, ये जो है वो इस विधायक के लिए, कांग्रेस के लिए जो है वो विरोधी, कांग्रेस विरोधी गतिविधियां बन गई। इस काम के लिए मेरे निष्कासन में इंद्रदत्त लखनपाल का ही पूरा पूरा हाथ है, इसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हर दिन आए दिन जो है वो एक और बयान जारी करता है इंद्रदत्त लखनपाल विधायक बरसड़ कि राजनीति के नाम पे समाज सेवा करके ये स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपना धन लगाकर, अपना घर फूंक कर और मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैं स्वार्थ के लिए नहीं सेवा कर रहा हूं, मैं पर स्वार्थ के लिए सेवा कर रहा हूं। और वो आदमी सिर्फ सरकार से धन ला करके और वो अपनी निजी संपत्तियां बना करके, होटल बना करके और साथ में अपनी जो भी कोठियां बना करके वो अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, ये मेरा उसको जवाब है। क्योंकि मैं गांव गांव का चले पाऊं, गांव गांव का मेरा एक मिशन शुरू हो चुका है और उसके तहत मैं 250 गांवों का जो है वो चले गांव पाऊं पाऊं जो है वो मैं दौरा कर चुका हूं। तो किसी को भी ये बहम ना रहे जो हमारे ऊपर तंज कसते हैं कि जो है वो मैं फिर इसको रिपीट मिशन बना करके मैं दोबारा वापस ही सत्ता में आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस बरसर क्षेत्र के अंदर। सुखू इज नॉट लुकिंग एट मी, सुखू मेरे को नहीं देख रहा है, व्हाट आई एम डूइंग हियर इन द बरसर।
लोनी देख रहा है, राजा वीर बदर नहीं देख रहा है, देख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रदत्त नगरपाल देख रहा था। इसकी जो मंशा इसके पीछे ये चाहता है कि अब सीताराम कांग्रेस से बाहर हो गया तो कांग्रेस मेरी हो गई। अरे ये भूल है, कांग्रेस लिमिटेड लोग, लिमिटेड बहुत जनता आगे बढ़ चुकी है,